ये बरेली की है भाई, बरेली की है। अच्छा, 110 रुपए की आती है। से प्लेन हो गया ये, नए पेपर पे है ये, इलाहाबाद की पतंग है 14 रुपए। हमेशा मिलती है भैया के पास, देख लीजिए वली रहमान की पतंग है, बड़े फर्मे की, जिनमें और भी डिजाइन आ गए हैं। ये कुछ और है अभी, ये बड़ी प्यारी लग रही है। दिस इज गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून फ्रॉम दी, आपका फ्लाइंग दिल्ली आ चुके हैं और आज हमको मिलेंगे दीपक भैया से। दीपक भैया मैंने लास्ट में वीडियो किया था, काफ़ी पतंग मांझा रखते भी हैं, लेकिन इस टाइम खाली हम पतंग पतंग का वीडियो करेंगे इस बार। और काफ़ी स्टॉक आया हो पतंगों के अंदर, मंजोली आ रखी है, भैया ने अपनी शॉप भी लगा दी इस बार, तो पूरा अंदर चल के दिखाएंगे आपको, एक बार गो थ्रू करेंगे। ये देख लीजिए पूरा इस तरीके से पूरा स्टॉक कवर हो चुका है यहाँ पे, और पूरा आपको मिलेगा पतंग पतंग सब मिलेगा यहाँ पे, हर चीज़ अवेलेबल होगी। अभी पूछेंगे भैया से क्या क्या रहेगा इनके पास, और ये डेकोरेट कर रखा है, इवन ब्रांडेड पतंगे चाहिए और ब्रांडेड कुछ भी चाहिए तो भैया से कांटेक्ट कीजिए। देखिए फिलहाल काइट मेकर और ब्रांडेड सब मिलेगा, इवन हमें लास्ट टाइम भी यहाँ पे उनके देखी थी, हमारे मुरादाबाद काफ़ी फेमस पतंगसाज है बनाने वाले, तो उनका वीडियो भी चेक किया था हमने यहाँ पे, तो सब मिलेगा यहाँ पे। देखिए फिलहाल काइट मेकर जो अमरोहा वाले हैं उनकी पतंगे यहाँ पे, हर चीज़ मिल जाएगी आपको यहाँ पे। तो करेंगे कंटिन्यू, माइक करेंगे हैंड ओवर दीपक भैया के हाथ में, और दीपक भैया से पूछेंगे क्या क्या कलेक्शन है, क्या क्या है 15 अगस्त के लिए, क्या क्या तैयारी है। देखिए वली रहमान साहब पतंगे पड़ी है यहाँ पे, और काफ़ी पतंगे रहती हैं यहाँ पे, इवन ईशा नाना की पतंगे भी इनके पास थी, तो आज फिर से बात करेंगे इनसे। देखिए ओम साज की पतंग यहाँ पे कितनी बढ़िया लग रही है, वे खुद भी शौक करते हैं, तो आज कंटिन्यू करते हैं भैया से मिलते और बात करवाते हैं। दीपक भैया आ चुके हैं माइक के ऊपर कैमरे के सामने, तो भैया कैसे हैं आप? एकदम ठीक हूँ भाई, और बताइए आप? सब ठीक ठाक। भैया थोड़ा सा टफ चल रहा दिल्ली में आज टाइम पे भाई, सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर चाइना मांझा ना बेचा जाए, ये लोग जो बेच रहे हैं गलत कर रहे हैं, उसकी वजह से पतंगबाजी खत्म हो रही है, और जो लोग नहीं बेचते उनके चक्कर में उन्हें भी फंसना पड़ता है। घाव घाव गुण पिसरा देखा जाए, अब जो बेच रहे हैं तो गलत है ना भाई, ये देखो कितने लोग जानवर हैं, आदमी 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 मर रहे हैं भाई, उससे मत उड़ाओ उस चीज़ को, कॉटन का मांझा उड़ाओ अपना जो सालों से उड़ता हुआ आ रहा है, पर पता नहीं क्यों लोग क्यों उड़ा रहे हैं भाई। मेरे साथ तो चाइनीज़ मांझा भाई बिल्कुल मत उड़ाइए आप लोग, अगर दिल्ली की पतंगबाजी अगर चाहते हैं तो फिर चाइनीज मांझा छोड़ना ही पड़ेगा। ये लगा दीजिए मेरे ख्याल से, एक या दो 15 का सिंगल का पतंग बिल्कुल उड़ना बंद हो जाएगी यहाँ पे, जिस हिसाब से यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट का प्लान है, अगर आपने नहीं रोका तो भैया पतंग ना आपको कहीं बाहर जाकर उड़ानी पड़ेगी, लेकिन दिल्ली में तो उड़ानी नहीं दी जाएगी, क्योंकि छतों पर लोग जल्द चढ़ के चेक कर रहे हैं पुलिस वाले, उनका भी सही है, उनका भी बिल्कुल वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लोग मना करने के बाद बाज नहीं आ रहे हैं उड़ाने से, तो पतंगबाजी तो ऑटोमेटिक ही खत्म ही हो जाएगी ना फिर। डेफिनेटली, और ये अक्सर थोड़ी ना 50 साल से उड़ती हुई आ रही है 15 अगस्त पे, तो कहता हूँ अगर आपको 15 अगस्त से पतंगबाजी बचानी है, उड़ानी है अपने शहर में दिल्ली में उड़ानी है, तो भैया आपको ये लेने पड़ेंगे, अदरवाइज अगर सोचते हैं सस्ता लेके उड़ाएंगे एक दिन, तो भैया कहीं ना कहीं सबके लिए बंद हो जाएगी, फिर आप बैठिएगा। देखिए मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये सबकी जो लोग लेते हैं चाइनीज मांझा, उनकी सोच होती है ये कि ये नॉर्मल मांझे से ज़्यादा निकलता है कोक गट्टे में, पर वो कहते हैं ना कि वो बहुत कम होता है, पर सबको बस क्या कहें उसके बारे में, कहना बेकार है, जो ना उड़ाए तो भाई ज़्यादा अच्छा है, बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, सबकी ओपिनियन है, आप सबका अपना अलग अलग हो। बिल्कुल सही बोला आपने। अच्छा मैं बात करता हूँ दीपक भैया के बारे में, तो हमने पहले भी वीडियो करा है ब्रांडेड मांझों और पतंगों में, भैया चाहे आप ईशा नाना की पतंग ले लीजिए इनके पास मिल जाती है, आपके वली रहमान साहब की पतंगें मिल जाती है अच्छी, कहते ना तो भैया डील उसी में करते हैं, और बहुत पुराने क्लब प्लेयर हैं, उड़ाते भी हैं, अभी गुड़गांव भी आ रखे थे उड़ाने के लिए पतंग उड़ा रखे थे, और जाते रहते हैं यहाँ पे, और खुद जाते हैं बरेली अपना मांझा लगवाने, बट यहाँ पे कवर करने आए हैं वो कवर करेंगे हम कहीं ना कहीं 15 अगस्त के लिए स्पेशल, तो डिमांड रहता है मंजोली का, तो भैया मंजोली में कहाँ की मंजोली और क्या रेट स्टार्ट हो जाएगी अपने यहाँ मंजोली? मंजोली देखिए इमरान फैंसी की है। ओके, अब डिपेंड करता है, कोई 500 लेता है 400 लेता है तो उसके लिए अलग रेट है, 100 वाले के लिए थोड़ा अलग, 25-50 पैसे बढ़ जाते हैं उसमें, और कुछ नहीं है। चलिए तो थोड़ा निकालेंगे पतंग एक बार, अगर कोई क्वांटिटी में लेगा तो उसके लिए मंजोली जो पड़ेगी आपको इमरान फैंसी की, जो 500-1000 लेगा उसके लिए पड़ेगी 7 रुपये की। चलिए ओके, और कोई कम लेगा या जैसे तो 8 रुपये की होती है, 7.5 रुपये सैकड़ा दे देते हैं। और ये आपको डिजाइन है, देखिए इमरान फैंसी के देख लीजिए, ये डिज़ाइन हो गया, एक ये है प्लेन में, एक प्लेन में हो गया, एक ये है, ये हो गया यहाँ पर, एक ये डिज़ाइन हो गया आपका, और एक ये, तो काफ़ी डिज़ाइन है इसके अंदर भी देखा जाए तो, और हाँ। आप ये ले सकते हैं यहाँ पे। अभी तो डिज़ाइन तो इनके कम से कम बहुत ज़्यादा होते हैं, 5-7, 7-8 डिज़ाइन एक कार्टून में निकलते ही निकलते हैं। चलिए, और इसके अलावा कहीं और की मंजोली अपने पास?
हाँ और भी है, मुरादाबाद की भी क्योंकि है, क्योंकि मैंने बीच में कवर किया था आपके भाई आदम आए थे घर पे आए थे तो बहुत बढ़िया पतंगे थे और बहुत सारे रिस्पॉन्स लोगों को मिला बहुत, वो पतंग बहुत अच्छी थी। हाँ जी, वो मैं 10 रुपए की मतलब सबको पर होलसेल रेट मैंने उसको 9 रुपए रख दिया था। अच्छा, तो अभी है वो पतंग अपने पास? हाँ अभी है, बस थोड़ी सी है वो, बस सब खत्म हो गई। तो भैया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कीजिए यहाँ पे आके, तो पतंग दिखाते हो वाली और बहुत प्यारी पतंग थी इसमें, ये वाली है अब, ये नीली बची है सिर्फ इसमें, और ये हमारी आपने बताया कि 9 रुपए के आसपास पड़ रही है। 9 रुपए, 9 रुपए की बिल्कुल होलसेल रेट है, चाहे कोई 10 ले 20 ले 50 ले या जितनी मर्जी जितनी ले। पतंग वाकई बहुत अच्छी थी, इवन जब हमने शो डालता काफी लोगों का आया था कि भैया ये पतंग लेके आनी है, बहुत बढ़िया पतंग थी। और लोग लेके भी बहुत सारे गए हैं, बहुत लोग लेके गए जिन्हें उड़ाई, सबने बहुत अच्छी बताई। और ये मुरादाबाद की अपनी? जी मुरादाबाद। तो इसमें भी बस नीला ही है, देख लीजिए ये स्टॉक बचा हुआ अपने पास, ये स्टॉक बचा आई थी खत्म, ये भी अभी आई थी 4000 पतंग, ये आते ही खत्म हो गई भाई। बहुत बढ़िया, अब दिखाते हैं इसके अलावा कोई और मुरादाबाद। इसके अलावा एक और मंजोली है मेरे पास, ये छिले हुए कमान छड्डो की है, ये भी पतंग देख लीजिए। ये कहाँ की है सर? ये बरेली की है भाई, बरेली की है। अच्छा इसमें भी प्लेन मिलेगा, कलर को डिजाइन मिल जाएंगे ये है। अच्छा ये नया वाला पेपर है ना भैया? हाँ ये नया वाला पेपर, नया वाला पेपर है ये। इसमें ये तिरंगा भी होगा जो आजकल लोग काफी मांग रहे हैं। तो छिले कमान छड्डे की मिलेगी, बरेली की पतंग है ये। और इसमें आपको देखिए यहाँ डिजाइन मिल जाएंगे, यहाँ पे 4-5 तरह के हैं, ग्रीन कलर की होगी, ये भी है। देखिए तो क्या आ गया इसमें, अच्छा सा इसमें बढ़िया। और ये नए पेपर पे जिसको नया अजंता ही बोल रहे हैं लोग बाग कहीं ना कहीं। और इसमें देखिए ये डिजाइन आ गया आपका, तो क्या आ गया, तो क्या भी आ गया। पतंग कमान छड्डे बहुत अच्छे लगे हैं। चलिए और ये किस रेंज में रहेगी दादा? ये वाली भी 9 रुपये, 9 रुपये की। चलिए तो भाइयों अभी यहाँ पे जो भैया की शॉप है ना वो दरियागंज में है, दिल्ली गेट का जो मेट्रो स्टेशन पड़ता है पास पड़ता है, गेट नंबर 3 पड़ता है। तो भैया एग्जैक्ट वहाँ से यहाँ आना तो कैसे आना आपके पास? आप वहाँ से उतर के भैया आप ई रिक्शा कर लीजिए गोलचा, गोलचा सिनेमा के आप गोलचा पे उतरिए वहाँ से, और अंदर ही बस वहाँ से बराबर से रेड लाइट से रास्ता आ रहा है अंदर, 50 मीटर के बाद 100 मीटर के बाद दुकान जाएगी आपको, शॉप दिख जाएगी भैया। तो मंजोली में अपने पास यही है अभी इस टाइम पे। हाँ अभी ये कार्टून है, इसमें इसमें व्हाइट येलो ग्रीन अलग अलग सिंगल प्लेन पतंग है, वो खोलेंगे क्या, खोल दिया जाए इसको? नहीं अभी इसमें बहुत है ना, तो अभी फिर दुकान में लगा नहीं पाऊंगा, इसलिए अभी इसे अनबॉक्सिंग करा हुआ है मैंने। चले ठीक है ओके। दिखा दूं कि भैया ये पूरा डब्बा आ रखा है, 3500 पतंगे आई हैं प्लस 500 अद्धी आई हैं जिसमें काफी डिजाइन मिलेंगे। तो भैया भी कह रहे थे खोलने का थोड़ा सा भी चांस बहुत वो है, तो कभी जैसे भैया का शॉट ले लेंगे, भैया से मंगवा लेंगे, एक शॉट मंगवा लेंगे, भैया को अनपैक करेंगे तो हम शॉट लेंगे। अद्धी में क्या रेट स्टार्ट हो जाता है अपने पास? अद्धी भाई मेरे पास 10 रुपए से लेके आप 50 रुपए तक की ले सकते हो, जो हम पहले भी कवर कर चुके हैं, आपका ब्रांड रहता है, ब्रांड रहता है। ये तो सिर्फ 15 अगस्त के लिए ये सस्ती मंगानी पड़ती है कि हर एक कोई फिर सीजनेबल रेट पे लेता नहीं है। ये कहाँ की अद्धी है? ये मुरादाबाद की है। और ये क्या रेट रहेगा? ये रहेगा 10 रुपए की भाई, 10 रुपए की, क्या बात है, ये 10 रुपए की अद्धी है। प्लेन हो गया आपका, ये हो गया। चलिए तो ये सब इसकी डिजाइन है, 10 रुपए की डिजाइन है, ये 10 रुपए वाली में डिजाइन है भैया सारे। ये आप जितनी मर्जी लीजिए, बिल्कुल होलसेल रेट है, इसमें कोई वो नहीं है। ये भी 10 रुपए है, ये भी 10 रुपए, 10 रुपए की हो गई। अब ये इमरान फैंसी की आ गई, ये भी इमरान फैंसी की आ गई है, बरेली की। 4 से 5 तरह के डिजाइन होंगे। चलिए देख लीजिए, 12 रुपए की, 12 रुपए की रहेगी, छिले हुए कमान छड्डों की पतंग उसकी। ये देख लीजिए एक बार, एक इमरान फैंसी की इसमें बिना छिली भी आती है, वो 10 रुपए 9 रुपए बिकती है। ओके, छिली भी 12 रुपए बिकती है। इसमें कमान छड्डे बहुत अच्छे लगे होते हैं, साफ सुथरी पतंग होती है। ये भैया ये इमरान फैंसी की है, बड़ी प्यारी पतंग है यार ये भी। हाँ ये इमरान फैंसी की प्लेन में है, और भी डिजाइन है जैसे एक दो उसमें। और ये नए पेपर पे हो गई, ये नए पेपर पे है, ये इलाहाबाद की पतंग है, 14 रुपए की। इलाहाबाद की क्या बात है, पतंग बड़ी प्यारी है वाली। इसमें छोटे बड़ा फर्मा दोनों है, ये गोल फर्मे में एक लंबे फर्मे में भी। इलाहाबाद की अद्धी हो गई ये वाली, बहुत बढ़िया। अब ये वाली कहाँ की आई है? ये मुरादाबाद की है, जकी की, 16 रुपए की पतंग, जकी की पतंग हो गई। इसमें भी 3-4 तरह के डिजाइन होंगे, पर अभी मैं सिर्फ 2 ही दिखा पा रहा हूँ। तो 16 रुपए की वाली ना, 16 रुपए की है ये टोटल लड़ाने वाली भी, जकी हो गई। ये मतलब जैसे आप जो डेली शॉप करते हैं? हाँ ये अपने जो छतों से शॉप लगाते हैं, जो क्लब फाइटर लगाते हैं, उनके लिए छोटे बेचने लाने के लिए बहुत अच्छी पतंग। नहीं पतंग बाकी देखने बड़ी सफाई बड़ी अच्छी है इसके अंदर। तो इसमें इसके अलावा अद्धी और भी हमारे पास ऐसे? हाँ अद्धी और भी है, एक बार अद्धी मैं दिखाता हूँ आपको। भैया इस टाइम पे काफी डिमांड है यहाँ पे, और 15 अगस्त का आप देख रहे सीजन को तो हॉट चल ही रहा है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चाइनीज मांझा मत उड़ाइए, मतलब नेक्स्ट टाइम ना पतंगबाजी करने को नहीं मिलेगी। चाइनीज मांझा उड़ाइए ही नहीं, बिल्कुल बंद करो, जब हम लोग खरीदेंगे नहीं तो बेचेंगे कैसे। ये कहाँ की अद्धी है? ये नखलाऊ की पतंग है, सचिन की पतंग है, सचिन लखनऊ की पतंग, 22 रुपए की अद्धी है। और पतंग में बिल्कुल
भैया ये कम से कम नहीं तो 2 साल पुरानी पतंग है, बस यही पतंगे पूरी की पूरी। ये रखी पतंगिया देख लो, 2 साल में ना कोई घुन लगा ना कुछ लगा पतंगों में। देखिए नीचे कमानी देखो, सीखी हुई कमानी देखो, साफ अजंता अजंता पेपर पे है ये सारा। अजंता पेपर कोई खटी मानी, टोटली अजंता पे है सब ये पतंगे। चलिए आगे चलते हैं, आप दिखाते हैं आपको। भैया इस टाइम पे पतंगे जो मेजर रहता है मंजोली का और अद्दी का, तो भैया दिखा दी, बाकी ये ब्रांडेड है, अगर आपको लेने का मन हो तो आप पक्का आइए। हाँ। क्योंकि भैया के पास आती है वली भाई की पतंग हमेशा मिलती है भैया के पास, देख लीजिए वली रहमान, वली रहमान की पतंग है बड़े फर्मे की। और ये अद्दी है, ये अद्दी पोनी से सिर्फ 1-2 इंच छोटी होती है, ये 22 की पतंग है जिसे बोलते हैं। ओके चलिए, और ये क्या रेट में आती है? ये 30 रुपए की पतंग, 30 रुपए का, बहुत अच्छी बात है। ये राजा मुरादाबाद, राजा मुरादाबाद बड़े फर्मे की पतंग है। आप लोग कहते हैं ना राजा मुरादाबाद, तो भैया से कीजिए, भैया खुद शौकीन है तो आपको ओरिजिनल पतंग की गारंटी है। इस टाइम वो खुद 40 रुपए की वहाँ से दे रहे हैं, हम यहाँ पहुँच के किसी को भी जैसे 41 रुपए की पड़ती है, हम 43-44 रुपए की बेच देते हैं, 2 रुपए रखे पतंग। तो ये अभी अद्दी है, अभी आपके ये अद्दी है बड़े फर्मे की। ये भी राजा की है। भैया आप जिनको शौकीन है ना ब्रांडेड के, तो भैया के पास आइए, कलेक्शन भी लीजिए। अब अगर अपना बैग होता तो उसमें फिर बहुत सारे डिजाइन और बहुत सारी हैं, वो तो पतंगे देखिए। ये भी राजा की है, मतलब बड़े फर्मे की। ये वली रहमान दिखाई थी, ये भी वली रहमान ही है। ये आपका तस्लीम की बड़े फर्मे की पतंग है, तस्लीम अपने मुरादाबाद बोले ना जी। चलिए बड़े फर्मे की पतंग है, ये क्या रेट रहेगा? ये 40 रुपए की पतंग, 40 की पतंग। ओके जी, ये सब देखो ब्रांडेड है, ये ब्रांडेड है। ये तस्लीम की लंबे फर्मे की, छोटे फर्मे की है, और दिखा दीजिए। ये भी ये दिखाइए, ये उनकी 30 रुपए की पतंग है। ओके। छोटे फर्मे की ये सब पतंग 2-2 साल 2.5-2.5 साल पुरानी है, सब पे अजंता पे है, सब अजंता पे है, ये कोई घटी मा नहीं कोई कुछ नहीं, सब अजंता पे। ये तस्लीम की है, ये भी ये तस्लीम के गोल फर्मे की है, वही 40 वाली। ये भी तस्लीम भाई देख लीजिए, तो भैया तस्लीम की पतंगे हैं ये देख लीजिए। और भैया के पास निकालना, भैया के पास ब्रांडेड में बहुत रहता है, भैया के पास इवन मांझे भी बात करें तो भैया के पास सब ब्रांडेड मांझे रहते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डालूंगा, आप पुराना वीडियो देखिए, भैया के पास एक से बढ़कर एक कारीगर के मांझे मिलते हैं, भैया खुद जाते हैं अपना वहाँ पे रह के 2 दिन रह के सब सामान लेके आते हैं। चलिए अब आगे चलते भैया, अपनी अद्दी में कुछ और भी आएगी अपने पास? अद्दी में मैं हाथ दिखाता हूँ, भैया थोड़ी सस्ती बढ़िया आएगा तो कवर करते हैं अद्दी में। और ये अद्दी दिल्ली में कहीं ना कहीं बहुत डिमांड रहती है यहाँ पे, और यहाँ पे गेम भी चलते रहते हैं और रेगुलर शॉप में भी काम आती है हमारे यहाँ पे। तो अब दिखाते हैं आपको अद्दी कुछ और। अब तो देखिए भैया ने यहाँ पे शॉप सेटअप किया अपना, उसका शॉप का सेटअप देख लीजिए, इससे एक शॉट डालेंगे हम आपके लिए और आपको मिलेगी ब्रांडेड पतंगे यहाँ पे बढ़िया वाली। अद्दी में और भी डिज़ाइन आ गए हैं, ये कुछ और है अद्दियाँ, ये बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ा अच्छा गुटाई वर्क कर रखा है इसके ऊपर देखा जाए तो। बहुत पुरानी पतंग है, ये भी 2 साल पुरानी पतंग है। और ये क्या प्राइस है भैया? 30 रुपए की पतंग है। ये कोई कारीगर है इसका? तस्लीम भाई की पतंग है, ये भाई की पतंग है। पतंग बड़ी प्यारी लग रही है, मतलब अल्टीमेट। ये इसरार नाना की है, मिल जाएगी ये पतंग इसरार नाना की पतंग है भैया, उनको ढूंढना भारी पड़ता है, पतंगे मिल रही है यहाँ पे देखिए, पर शौकीनों के लिए, शौकीनों क्वांटिटी में नहीं मिल पाएंगे बट थोड़े मिल जाए। अब उनका कोई रेट तो है नहीं, अगर कोई दे, मैं कह रहा हूँ 50 रुपए की 60 रुपए की मैं खरीद लूंगा अगर कोई मुझे देगा भी आराम से मिल, 10 मिनट उनका कोई रेट नहीं है। बाकी शौकीन है तो आप आइए यहाँ पे। ये कानपुर मुरली की पतंग है, देख लीजिए इनका स्टैंड, देख लीजिए मुरली जी की, ये भी अद्दी है मैं बता रहा हूँ, पुरानी अद्दी है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है मुरली कानपुर, और बहुत प्यारी पतंग बनाते हैं, बहुत ये बहुत पुरानी हो गई है देखिए, ये 50 रुपए की एक पतंग है। नई पतंग हर एक कोई नहीं लेता इतनी महंगी पतंग, पर रखते हैं तो फिर जो लोग लड़ाने वाले हैं वो लेते हैं, वो ले जाते हैं, वो ले जाते वो लेते हैं, नो डाउट ले जाते। तो भैया देखिए इस बार नाना की पतंगे यहाँ पे मिल जाएंगी, तो मेरे ख्याल से अद्दी का सेक्शन से खत्म हो गया मेरे ख्याल से भैया। हाँ भैया, पोनो भैया क्या रहेगा रेंज पोनो के अंदर? पोने भी रख रहे हैं कि अभी नहीं रख रहे? पोने अभी रखे हुए नहीं है मेरे, अभी आई थी मेरे पास 600-700 1000 पतंग आई थी, वो टोटल 400 एक आई थी, बाकी किसी और 2-3 कारीगरों की आई थी, वो आया एक ही आदमी ले गया सारी। तो मतलब मेरा ही फोकस अद्दी और उसके ऊपर चल रहा है, बाकी तो ब्रांडेड पोने सारे मिल जाते हैं यहाँ पे, चाहे मुरादाबाद के लीजिए चाहे आप यहाँ के बरेली के लीजिए आपके पास। तो भैया अभी यही रहेगा, लखनऊ तक की भी मिलती है, लखनऊ तक की मिल जाती है आराम से। बाकी भैया आपको जो मांझे भी चाहिए ना ब्रांडेड मांझे, तो भैया से आप बात कर लीजिए, भैया से फोन कर लीजिए, भैया के पास रहते हैं, भैया अवेलेबल करवा देते हैं, राइट भैया? जब आप अपनी चरखी दे दीजिए वहाँ से बनवा के लाते हैं, आपकी चरखी पे दे देंगे आप, आपको बनवा देंगे, चाहे आप चरखी दे दीजिए इनको, भैया को बोलिए भैया करवा देंगे, भैया जाते रहते हैं बरेली। तो भैया एक छोटा सा वीडियो था हमारा जिसमें भैया का यहाँ पे हमने कवर किया, काफ़ी मंजोली कवर का, जिसमें आपने सबसे मेन मंजोली दिखाऊंगा आपको, देखिए मुरादाबाद की प्यारी मंजोली है ये वाली,
बहुत प्यारी लगी। ये 9 रुपए की है इस टाइम पे बिल्कुल। और भैया ने दिखाया यहाँ पे इस नाना की पतंगे दिखाई हमें, और मतलब मुरली कानपुर की पतंगे, और यहाँ पे जो अद्धी साइड है वो 10 रुपए स्टार्ट हो जाती है अपनी। हाँ 10 रुपए से स्टार्ट है और आप 50-60 रुपए तक हर रेंज की है पतंग कोई भी यहाँ पे। प्लस मानने के लिए भैया अच्छा बात कीजिए भैया, बैग बैग पतंग के बैग सद्दी मिल जाएगी, बैग और पतंग के बैग और सद्दी मिल जाएगी भैया अपने पास? हाँ सद्दी भी होती है, सद्दी जो आम जो मैदान में चलती है सद्दी मिल जाएगी, ओसवाल की मिलेगी सद्दी। तो ये वाला बैग होगा, ये आपका वाटर होल्डिंग वाला वाटर प्रूफ बैग है। कितना हो गया भैया? 150 रुपए का। और जो नीचे वाले बैग है ये वाले? ये नीचे वाले बैग है ये 400 रुपए का, 400 का। इसमें कितनी आ जाएगी पतंगे? इसमें 300-350 पतंग आराम से आती है। वैसे ये 500 रुपए का बिकता है पर हम 20-30 रुपए रख के बेच देते हैं, 400 रुपए का देते हैं भाई कस्टमर। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। कस्टमर अगर गारंटी है 400 रुपए का भी, बहुत कम दुकानदार होंगे जो ये वाला बैग देते हैं ऐसे, वरना सब 500 रुपए से कम कोई नहीं देता। चलिए और सदी भैया क्या रहेगा अपने पास जी? सदी में कुछ रहेगा भैया? सदी में हाँ सदी में ये है ना, सदी में 8 नंबर की है अभी ये आई है। अरे ये ब्लैक रंग में, ये कौन ब्लैक रंग में अभी आई है, जावाज वालों की, ओसवाल वालों की नई सद्दी आई है बिल्कुल। और ये क्या नंबर भैया? 8 नंबर। 8 नंबर है, तो बारीक लग रहा है बहुत मुझे। ये बारीक है और 8 नंबर अच्छी भी है, ग्लेज भी है इसमें। अच्छा जी क्या बात है भैया, तो ये सद्दी है व्हाइट वाला 350 रुपए का होता है और ब्लैक वाला 20 रुपए ऊपर है कलर वाला, ये 370 का है। ओके पर हम दोनों एक ही रेट देते हैं 350-350। बाकी 3 नंबर 4 नंबर मिल जाएगी जो दिल्ली में चलती है? हाँ जो 3 नंबर 4 नंबर नॉर्मल उड़ाते हैं सब लोगों को। बहुत बढ़िया जी। तो भैया ये हमारी एक थोड़ा सा वीडियो था, बाकी पूरा वीडियो बाद में फिर आएंगे बीच में 15 अगस्त से पहले, भैया वो पूरा कवर करेंगे, देखते हैं क्या क्या रहेगा उस टाइम पे। थैंक यू भैया।